दोस्तों आप सभी को नमस्कार। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है दोस्तों। और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न एक बड़ा ही पॉपुलर जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी का चैनल है। बात करें दोस्तों जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स की या डिश टीवी की, एयरटेल डिजिटल टीवी की, टाटा प्ले की, अलग अलग डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दोस्तों ये चैनल उपलब्ध है। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट सोनी एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो पर आप नए हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले और आसानी से उपलब्ध हो सके। आइए चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में और डिटेल में बातें इसी चैनल से संबंधित कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, व्यूअरशिप में कमी क्यों? तो दोस्तों चैनल से जुड़ी अपडेट यही है कि सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के व्यूअरशिप में थोड़ी सी कमी आई है और इसके पीछे दो तीन कारण भी हैं दोस्तों, जैसा कि मीडिया सोर्सेज में खबरें निकल करके आ रही हैं। इन्हीं कारणों पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में व्यूअरशिप एक इतने पॉपुलर चैनल की थोड़ी सी कमी कैसे आ रही है पिछले कुछ दिनों से। दोस्तों हम आपको जो बार्क की रेटिंग है यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च की रेटिंग भी आपको हम बताएंगे, पूरी डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों बात करें डिश टीवी की, एयरटेल डिजिटल टीवी की, टाटा प्ले की या फिर जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स की, तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न आप इन डीटीएच प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और भी अन्य डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दोस्तों ये चैनल उपलब्ध है। दोस्तों बेहद ही पॉपुलर चैनल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हो गया कि इसके व्यूअरशिप में कमी आई? तो दोस्तों एक कारण जो निकल कर के आ रही है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो ऑडियंस है, जो आज की ऑडियंस है, जो व्यूअरशिप है, वो अब बट सा गया है, यानी कि डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अलग अलग चैनल्स तो ऑडियंस देख ही रही है, साथ ही साथ अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ यानी ओटीटी कंटेंट को भी पसंद कर रही है। तो इससे दोस्तों क्या हुआ है कि व्यूअरशिप में थोड़ी सी कमी आई है, एक कारण ये माना जा रहा है। अगला कारण ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो नॉन फिक्शन शोज़ हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के, नॉन फिक्शन शोज़ भी एक कारण है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कंटेंट भी एक इशू निकल कर के आ रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मीडिया सोर्सेज में खबरें आ रही हैं कि कंटेंट को भी थोड़ा सा रिनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, जिससे कि दर्शक इस चैनल से जुड़ सके जैसा कि पहले हुआ करता था। दोस्तों बात करें रेटिंग की तो आप देख सकते हैं दोस्तों वीक 17 का डेटा आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च का है और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों टॉप 10 चैनल्स की लिस्ट आप देख लें। स्टार स्पोर्ट्स, वन हिंदी, दंगल, स्टार माय, स्टार प्लस, सन टीवी, सोनी सब, जी तेलुगु, स्टार प्रवाह, गोल्ड वाइंस और स्टार विजय। देख सकते हैं दोस्तों कि टॉप 10 में भी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नहीं है, यहाँ तक कि स्टार प्लस 4 नंबर पर और दंगल आप देख सकते हैं दोस्तों ये चैनल 2 नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वाकई में एक डिप है, जो व्यूअरशिप है, जो खबरें हैं बिल्कुल निकल करके जो आ रही हैं, तो कह सकते हैं दोस्तों कि कंटेंट पर काम करना होगा इस चैनल को अगर वो फिर से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न को एक नंबर या फिर कह लें कि बार्क रेटिंग में टॉप 10 में लेकर के आना चाहते हैं। तो कभी ये चैनल दोस्तों टॉप 5 में हुआ करता था लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि व्यूअरशिप में थोड़ी कमी आई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।